गए थे कि हम लोग मेन रोड पे निकल गए शंकरागढ़ मेन रोड, ये शंकर जाने वाला रास्ता है, यहाँ से स्ट्रेट जाते रहने से शंकरा बस्ती मिलेगा लोगों को, उसके बाद यानु, उसके बाद लोंगडीन ऐसा मिलेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल ड्रीम्स टू राइज। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं हैंगिंग ब्रिज देखने के लिए, जो कि संसागर रोड पे है। ये लगभग कुछ ही दिन पहले बना है, सो उसको देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग। सो इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करिए देखिए। और आप लोग ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कभी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफाई हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत दिन के बाद मैं बाहर निकला हूँ, क्योंकि और बारिश भी दे रहा था, लॉकडाउन भी था, अभी भी लॉकडाउन है, फिर भी अभी तो मतलब थोड़ा सा फ्री है, बाहर निकलने के लिए दे रहा है थोड़ा बहुत। और इतना दिन से बारिश भी हो रहा था, आप लोग रास्ता देख के मालूम लगा ही सकते हैं। और रास्ता भी अच्छा नहीं है, इसलिए बारिश भी नहीं करते, मतलब बाहर निकलने की टीचर बहुत होता था, इसलिए निकलने का भी मन नहीं करता है। तो अभी नदी तक पहुंचने से हम लोग गाड़ी भी धो लेंगे थोड़ा सा। हाँ, टेम्पो ये तो कुछ नहीं लाया, फिर भी है धो लेंगे, आते हैं क्या है। और रास्ता देखिए आप लोग, इतना मज़ेदार है, पूरा मनाली वाली फीलिंग आएगी आप लोग को यहाँ पे। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ हम लोग का ये हैंगिंग ब्रिज में, जो कि अभी नया बना है, कल परसों ही बना है, तो वो देखने के लिए आए हम लोग। यहाँ पे कोरोना शोरोना नहीं है, ऐसे निकल देते फिर भी आते लोग देखते हैं, लगा देते हैं, लगाने से कोई बनी लगाने से कह सकती है। तो आइए चलते हैं, बहुत ही बड़ा ब्रिज बनाया, तो उसको वो देखते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, आज देख लीजिए आप लोग, यहाँ का हावड़ा हावड़ा बीच है, ये हावड़ा बीच है, तो आइए हावड़ा बीच को चलते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि छोटा छोटा पुक नहीं होता है, वो आके मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मक्खी नहीं, अरे मक्खी नहीं, वो छोटा वाला, तो ये बोला है ना मक्खी बोल, तो आइए लोग को हम लोग ये हावड़ा बीच दिखाते हैं। बहुत ही लंबा है और अच्छा लग रहा है, अभी इस पे चढ़ के एक कोना से दूसरे कोना जा रहे हैं। नदी के हिसाब से बोलने से हम लोग एकदम सेंटर पे आ गए। तो आज का वेदर तो पहले से बहुत अच्छा है, क्योंकि आज थोड़ा सा धूप निकला है बहुत दिन के बाद, लगभग एक हफ्ते के बाद, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस बीच में जाके पूरा नशा नशा लग गया जैसा लग रहा है। यहाँ से देखिए छोटा बहुत सीनरी, छोटा मोटा अभी हम लोग एकदम सेंटर में पहुंचे वाले, और यहाँ पे आगे लग रहा है कि थोड़ा नहाने का मन भी कर रहा है, नहा के तो आए फिर भी नहाने का मन कर रहा है। नदी नदी का पानी देख के ठंडा होगा, फ्रेश होगा, सामने भी देखिए आदमी लोग नहा रहे, तो उसके तरह हम लोग भी नहाने का मन कर रहा है, मंगल हो गया नहाने के लिए। So
फ्रेंड्स अभी हम लोग ये डेटन पे है। हम लोग बस अभी ये ब्रिज को क्रॉस करने वाले हैं। बहुत ही लंबा ब्रिज था, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग ने एक्सप्लोर किया है। तो इसी तरह और ब्रिज बनाते रहिए, हम लोग और जैसे जाएंगे और इसको और एक्सप्लोर करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे कुछ ट्राई कर रहे थे करने के लिए, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, कर नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे फोटो शूट करने के लिए कर रहे थे, कुछ एडवेंचर्स है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, बहुत ही तकलीफ हो रहा है। और ऊपर से इतना ये देखिए गर्मी है, तो देख ही सकते हैं आप लोग मेरे चेहरे पे। लो लो लो, मेरा हालत खराब हो रहा है गर्मी की वजह से। इतना दिन बारिश था, ठंडा था, ठीक ही था, लेकिन आज इतना जोरों से गर्मी दिया है। और हम लोग नदी में है, तो नदी में आप लोग को मालूम है कि कितना गर्मी लगता है। अभी मैं ठीक पानी के ऊपर में हूँ, ये देखिए। अभी हम लोग लौट रहे हैं यहाँ से, तो सुबह में मतलब 12 बजे में आए थे, अभी लगभग 4 बजने वाला है। तो बहुत देर हम लोग ने यहाँ पे रुका। वहाँ पे एक खेती का घर था जहाँ पे हम लोग रुके, लगभग 1 घंटा जैसा वहाँ पे बैठ के बात करते रहे हम तीनों। तो अभी 4 बजने वाला है, इसलिए हम लोग अभी निकल रहे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में बस इतना ही, और भी है, मैं दिखाऊंगा आप लोग को फिर बाहर निकलने से, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा और मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी अगले ब्लॉग में।